बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वुमन लाइफ एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाजिर है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कड़वे बादाम के ऐसे मीठे फवायद शेयर करूंगी जिनको जानने के बाद आप कड़वे बादाम फेंकेंगे नहीं बल्कि इनको इस्तेमाल में ज़रूर लाएंगे। खुश्क मेवाजात में बादाम अपनी गजाइत मकवी खसूसियात और जायके के एतबार से खास मकाम रखता है। इसकी गिरी सर्दियों में बहुत शौक से खाई जाती है जबकि कई तरह के पकवानों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। खाने के अलावा इसके कई फायदे हैं। अतबा जो है वो बादाम की आमतौर पर दो अकसाम बताते हैं जिनमें एक है बादाम शीरी और दूसरा है बादाम तलख जिसे हम कड़वे बादाम के नाम से जानते हैं। कड़वे बादाम एक तरह से खुरदनी जहर होता है इसलिए इसे खाने से ग्रेज करना चाहिए। अलबत्ता हुस्नो सेहत के लिए इसके फायदे इतने मीठे हैं कि इनसे इस्तफादा ना उठाना कुफराने नेमत होगा। आज मैं आप लोगों के साथ कड़वे बादाम के ऐसे ही कुछ फायदे शेयर करूंगी जिनको जानने के बाद जो है वो आप इनका इस्तेमाल जरूर करेंगे। कड़वे बादाम एक्जिमा के इलाज में बहुत ही मुअसर तसव्वुर किए जाते हैं। एक्जिमा एक ऐसा जल्दी मसला है जिसका अगर बरवक्त इलाज ना किया जाए तो ये फैलने लगता है। एक्जिमा से निजात के लिए चंद कड़वे बादाम लेकर इन्हें पीस लें, इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें और मुतासरा जगह पर लगाएं। कुछ दिन के इस्तेमाल से आपको खुद ही बहुत ही ज्यादा वाजिया फर्क नजर आएगा। कील मुहासों से निजात के लिए भी कड़वे बादाम बहुत ही मुअसर समझे जाते हैं। कील मुहासे यानी एक्नी नौजवान लड़के लड़कियों का एक आम मसला है। कील मुहासों पर काबू पाने के लिए कड़वे बादाम पीस कर दूध में मिलाकर लगाएं। इससे न सिर्फ जिल्द एक्नी से महफूज रहेगी बल्कि इसकी कुदरती नमी भी बरकरार रहेगी। जिल्द की शादाबी में बादामों का बहुत ही अहम किरदार है। पिसे हुए कड़वे बादाम या कड़वे बादाम का रोगन हम वजन मलाई और गुलाब की पिसी हुई पत्तियों में मिलाकर हर रोज चेहरे पर लगाया जाए तो ये हुस्न को दोबाला कर देता है। इसके मतवातर इस्तेमाल से जिल्द बिल्कुल साफो शफाफ हो जाती है और चेहरे पे झुर्रियां नहीं पड़ती। कील मुहासों के अलावा जिल्द की खुश्की से भी निजात मिल जाती है। जिल्द तरोताजा और शादाब होती है। जिल्द पर से चश्मे के निशान मिटाना। कड़वे बादाम जिल्द से चश्मे के निशान मिटाने में बहुत ही मुअसर साबित होते हैं। जो लोग नजर के चश्मे का इस्तेमाल करते हैं इनकी नाक पर चश्मे की रगड़ से स्याही मायल निशान बन जाते हैं। ये निशानात मिटाने के लिए कड़वे बादाम का तेल हम वजन नारियल के साथ मिलाकर नाक के निशानात पर मालिश करें। कुछ ही दिनों में निशान बिल्कुल साफ हो जाएंगे। झुर्रियों से छटकारा। जिल्द की नराई उम्र के साथ साथ मांद पड़ने लगती है। बारीक लकीरों और झुर्रियों की आमद चेहरे की सारी खूबसूरती खत्म कर देती है। अगरचे बढ़ती उम्र के असरात को यकसर खत्म करना तो मुमकिन नहीं लेकिन इनकी रफ्तार कम जरूर की जा सकती है। झुर्रियों से निजात के लिए रोजाना रात को सोते वक्त कड़वे बादाम रोगन की मालिश चेहरे पर नीचे से ऊपर की तरफ करें और रुखसारों पर गोल दायरा की शक्ल में मसाज करें। 10 से 15 मिनट बाद ठंडे पानी से चेहरा धोकर साफ तौलिए की मदद से साफ कर लें। अगर हो सके तो हाथ मुंह धोने के लिए पानी में चंद कतरे लींबू के अरक के डाल लें। एक माह के लगातार इस्तेमाल से आपके चेहरे से बारीक लकीरें गायब हो जाएंगी और आपकी जिल्द नरम मुलायम और शादाब नजर आएगी। जिल्द के दाग धब्बों से निजात। कड़वे बादाम जिल्द के दाग धब्बों को खत्म करने के लिए नहायत मुफीद साबित होते हैं। इस मकसद के लिए चंद कड़वे बादाम लेकर इन्हें पीसे और इनमें थोड़ा सा पानी और क्रीम भी मिला लें। अमेजा तैयार होने पर इसे मुतासरा हिस्सों पे लगाएं। होंठों की रंगत बहाल करना। होंठों की रंगत मुख्तलिफ वजूहत की वजह से खराब हो सकती है। नाकस गजा, गैर मयारी कॉस्मेटिक का इस्तेमाल, मौसम की शिद्दत चंद एक वजूहत हैं। गहरी रंगत के हामल होंठों पर बादाम और नारियल का तेल बराबर मकदार में मिलाकर लगाया जाए तो इनकी रंगत बहाल हो जाती है और होंठ नरम मुलायम हो जाते हैं। मुर्दा रंगत और आंखों के गहरे हलकों का इलाज। एक चम्मच खीरे के रस को हम मकदार अरके गुलाब में मिलाएं। इसमें तीन कतरे रोगन तलख बादाम और एक चौथाई चम्मच एलोवेरा जेल शामिल करके अच्छी तरह से यकजान कर लें। इस अमेजे को आंखों के गिर्द हलकों और चेहरे पे लगाएं। मौसम की शिद्दत से मुरझा जाने वाली रंगत बिल्कुल बहाल हो जाएगी और चेहरा जो है वो बिल्कुल तरोताजा और शादाब हो जाएगा।
तो ये थे कड़वे बादाम के वो मीठे फवायद, जिनको जानने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप कड़वे बादाम अपने रोजमर्रा रूटीन में फेंकने की बजाय उनका इस्तेमाल जो है वो जरूर करेंगे। मजीद ऑथेंटिक और अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसे मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी।